हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक 5 वोल्ट डीसी मोटर का कम्यूटेटर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आपको इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए एक स्केच पेपर की, उसके बाद हमें एक ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी जो कारी में यूज़ होती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमें चाहिए एक फेविक्विक, उसके बाद हमें एक ज़रूरत पड़ेगी स्क्रू ड्राइवर के, इस टाइप का छोटा स्क्रू ड्राइवर हमें चाहिए। उसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा कॉपर वायर, उसके बाद हम लेंगे ब्लेड इस तरह की, उसके बाद हम लेंगे एक प्लग पिन जो कि आपको फोटो में बताइए उस तरह की, जो अर्थिंग में यूज़ होती है वही हम लेंगे। नेक्स्ट हमें लेना है एक बॉल पेन पॉइंट जो कि आपको फोटो में बताया गया है, उस टाइप का बॉल पेन पॉइंट लेंगे। अब हमें करना क्या है कि उसका जो बॉल पेन का जो पॉइंट था उसका जो आगे का होल है उसे हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि हमारी मोटर के शाफ्ट में अच्छे से जा सके। दोस्तों, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो जाए, नहीं तो हमारी मोटर के शाफ्ट में ढीला रहेगा और आपको बाद में प्रॉब्लम पड़ेगी। तो हम इसे बड़ा कर लेते हैं, देख सकते हैं मैंने इसे कैसा बड़ा करा है। अब हम इसे इसमें डाल कर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं मोटर के शाफ्ट में बहुत ही आराम से जा रहा है। बस हमें इस तरह से कुछ इसे कर लेना है। तो दोस्तों, अब हमारा ये हो चुका है कम्प्लीट। अब हमें इसे रख देना है साइड में, उसके बाद हम इसे साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों, हम लेंगे इस तरह का प्लग पिन को, इसको हम स्केच पेन की मदद से 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे जो कि मोटर के कम्यूटेटर में होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसे कैसे 3 भाग में कर रहा हूँ। आपको इसे अच्छे से मार्किंग करनी है दोस्तों, ये ज़रा भी ये तीनों भाग सेम होना चाहिए, जिससे आप देख सकते हैं अभी मेरा गलत हो गया था तो मैं इसे फिर से सही कर लेता हूँ। ये तीनों बिल्कुल सेम होना चाहिए, अगर गलत होगा तो आपकी मोटर सही से वर्क नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने वीडियो को थोड़ी स्लो कर दिया है, देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल 3 भाग में डिवाइड कर लिया। अब आपको ब्लेड की मदद से, हेक्सो ब्लेड की मदद से इसे काट लेना है। दोस्तों, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था इसीलिए आप खुद ही इसे काट लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे काट लिया है दोस्तों, ये कुछ इस तरह से मैंने इतना काट लिया है। अब आपको करना क्या है कि जो ब्लेड है उसकी मदद से इसे नीचे से काट लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे काट लिया होगा। दोस्तों, मैं वीडियो को थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे काट लिया, आप भी इसी तरह से काट लीजिएगा। तो दोस्तों, हम इसे काट लेते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे वीडियो थोड़ी कट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसे काट लिया बहुत अच्छे से और हमें इसके 3 भाग मिल चुके हैं जो कि बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हैं इसे भी बिल्कुल सेम और सही से कटे हुए हैं। अब हम लेंगे बॉल पेन का पॉइंट, उसके ऊपर इसे हम एक एक कर चिपका देंगे। हम इसे चिपकाने के लिए फेविक्विक का यूज़ करेंगे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल सीधा चिपके। तो दोस्तों, आपको इस तरह से कुछ चिपकाना है। हम इसे फेविक्विक लेंगे और हम सबसे पहले इसे लगा देंगे मोटर के शाफ्ट पर ताकि आपके हाथ में ना चिपके। तो इसे मोटर के शाफ्ट पर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, मैंने इसे मोटर के शाफ्ट पर लगा दिया है। तो दोस्तों, आप इसे ऐसे ही कुछ लगा दीजिएगा, देख सकते हैं पूरा अंदर जा चुका है। अब हमें लेना है फेविक्विक और इस पर थोड़ी सी फेविक्विक डाल देंगे कुछ इस तरह से। तो मैं, आप देख सकते हैं मैंने इसे फेविक्विक लगा दिए। अब हमें इसके ऊपर भी फेविक्विक लगाना है ताकि अच्छे से चिपके। अब आप देख सकते हैं मैं इसे लगा देता हूँ, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए दोस्तों। अब ये लग चुका है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो कम्यूटेटर है वो मोटर के साथ चिपक नहीं जाए, नहीं तो हमें बाद में प्रॉब्लम पड़ेगी। आपको इसके साइड में फेविक्विक डाल देना ताकि अच्छे से चिपक जाए। अब आपको दूसरा भी इसी तरह से लगाना है, तो मैं इसे लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसे जैसे लगा रहा हूँ वैसे आपको लगाना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये तीनों एक दूसरे से अड़े नहीं, यानी एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा करंट बराबर फ्लो नहीं पाएगा और मोटर बर सही से वर्क नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे लगा रहा हूँ, आपको कुछ इसी तरह से तीनों को लगा देना है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसे लगा दिया। अब हम इसे थोड़ी सी सूखना रख देंगे। दोस्तों, अब ये कम्प्लीटली सूख चुका है। अब हम करेंगे क्या कि एक ब्लेड की मदद से इसके ऊपर से इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी फेविक्विक लगा हुआ हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं इसे जैसे साफ़ कर रहा हूँ इसे आपको इसे साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर फेविक्विक लगी रहेगी तो हमारा करंट बराबर फ्लो नहीं हो पाएगा और हमारी मोटर सही से वर्क नहीं करेगी। तो आपको कुछ इस तरह से इसे साफ़ कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको ऐसे तीनों को साफ़ कर लेना है। तो दोस्तों, अब ये सही से साफ़ हो चुका है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे।
ये सब बाहर निकाल लेंगे अब दोस्तों हम। अभी अच्छे से हो गया है, आप देख सकते हैं ये एक दूसरे को टच भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब आपको लेना है इस तरह का वायर और सब उसके इंसुलेशन में से बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे से बाहर निकाला, मैंने सब बाहर निकाल लिया है। अब आप इसके तीन ऐसे छोटे, तीन इसके पतले वायर बना लीजिए जैसे मैं बना रहा हूँ। तो आपको ऐसे तीन वायर बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके तीन वायर बना लिए हैं। दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत में आपको कुछ बताना भूल गया था। आपको चाहिए एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का छोटा सा टुकड़ा, और आपको नेक्स्ट चाहिए एक इस तरह की टेप पट्टी जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया था, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आपको इसका यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सब बता दिया है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आ गया। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसके साथ जोड़ेंगे वायर। तो आपको लेने हैं एक टेप पट्टी और इसे बीच में से काट लेने हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों अगर आपका इसमें सोल्डरिंग आयरन है तो आप इसके साथ वायर जोड़ने के लिए उसका यूज़ कीजिएगा। लेकिन जिसके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है वो इसमें इस तरह से भी वायर जोड़ सकता है जैसे मैं जोड़ रहा हूँ। तो आपको लेना है इन तीनों वायरों को जो अभी हमने बनाए थे। अब हम एक एक कर कर एक 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 पोल के साथ इन वायरों को जोड़ देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही आपको लगाना, आप इसे ध्यान से देखिए। तो इसे से लगा देना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी वायर एक दूसरे से टच ना हो, नहीं तो हमारा करंट बराबर से फ्लो नहीं होगा और मोटर बराबर वर्क नहीं करेगी। तो आपको इस तरह से लगाना है तीनों वायरों को। तो दोस्तों आपको इस तरह से वायरों को जोड़ लेना है जैसे आप देख सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है दोस्तों। अब इससे लग हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको लेना है, आपको इन तीनों वायरों को अलग अलग कर देना है दोस्तों। अब हम लेंगे इंसुलेटेड कॉपर वायर जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो इस तरह के कॉपर वायर को लेकर हम तीनों वायरों को बांध देंगे एक एक पोल के साथ में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे बांध रहा हूँ। दोस्तों वायर जो आप लोग इंसुलेटेड ही होना चाहिए, नहीं तो हमारा करंट सब सब में फ्लो होने लगेगा और बराबर मोटर चलेगी नहीं। तो आप इसे देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से बांध रहा हूँ। एक पोल के साथ सिर्फ खाली एक ही वायर कनेक्ट होना चाहिए दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे बांध रहा हूँ और मैंने इसे बांध दिया है। तो आप भी इसे कुछ इसी तरह से बांध दीजिएगा। अगर आपके पास में सोल्डरिंग आया है तो आप उसी का यूज़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा लंबा काम है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बांध दिया है। और अब आपको जो हमारे जो कॉपर वायर जो लंबे थे उसे पीछे की तरफ वाल देना है तीनों को। और उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा जो वायर है लंबा इसे काट देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप मैंने उसे काट दिया है और तीनों वायर को पीछे की तरफ फाल दिया है। तो आप लीजिए थोड़ी सी टेप पट्टी और इसे इसके ऊपर चिपका दीजिए ताकि हमारा सब अच्छे से कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर अच्छे से टेप पट्टी चिपका दी है दोस्तों। ऐसा आपको चिपका देनी है ताकि अच्छे से कवर हो जाए और हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसे चिपका रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसे चिपक जाने के बाद आप फेविक्विक की मदद से जो हमारे जो टेप पट्टी का कोना है उसे चिपका दीजिएगा ताकि जब हमारे मोटर चले तब ये निकल नहीं जाए। नहीं तो अगर ये निकल जाएगा तो फिर आप कहोगे कि इसने कैसा कैसा बनाया था, तो पूरा ख़राब हो गया। इसलिए दोस्तों आप इसे अच्छे से चिपका दीजिएगा। अब आपको तीनों वायर को कर देना है अलग। तो देख सकते हैं मैंने इसे तीनों वायर को अलग कर दिया है दोस्तों। अब हमारा कम्यूटेटर हो चुका है तैयार। तब हम इसे मोटर के शाफ्ट पर लगा देते हैं और जल्दी से कर देते हैं इसके कनेक्शन मोटर के साथ। फिर हम इसे ट्राई करके देखेंगे। तो वो जो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन अब आ चुका है। तो देख सकते हैं मैं इसे मोटर में जैसे लगा वैसे आप भी लगा दीजिएगा। अब हम इसके साथ में जो मोटर के तीन वायर थे उसे जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है कंप्लीट। अब जो ज़्यादा के वायर हैं दोस्तों आपको उसे काट देना है। तो इसे अच्छे से जोड़ना है, उसके बाद ही आप इसे काट लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से काट लिया है और अब हमारी मोटर हो चुकी है तैयार। अब हम इसे ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसे 5 वोल्ट DC सप्लाई दी, ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है जैसे आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको इसे चलाने से पहले इस पर ऑयल या कोई भी टाइप का तेल जो हो उसे लुब्रिकेशन के लिए ज़रूर आ जाएगा, नहीं तो सही से वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी मोटर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है।
आप देख सकते हैं दोस्तों, इस मोटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस मोटर को मैंने कैसे बनाया, इसकी वाइंडिंग कैसे की, अगर आप उसे जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।